स्वागत करता हूँ संजीव आर्य यानी मैं। और भाई, जैसा कि आप सभी को पता है, हम तैयारी कर रहे हैं हर उस एग्जाम की जो दिलाएगा आपको क्या जॉब। जी हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं भैया जॉब की। जॉब का मतलब क्या है? वो एग्जाम्स जिसमें भैया आपके आते हैं, लेवल के प्रश्न आते हैं। और आज भी भैया मैं एक बात बता रहा हूँ, आज की जो हमारी क्लास है ना, वो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने यदि एक पैटर्न को देखा हो, समझा हो, तो एक पैटर्न बनता है क्या? एक पैटर्न बनता है डी ट्रिपल एस बी का, जिसमें भाई वो बार बार एक ही, मतलब जो उसने टॉपिक एक बार पकड़ लिया ना, तो उससे रिलेटेड जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रश्न करता है हमारा क्या डी ट्रिपल एस बी। ठीक है, तो भाई आज जो है आपका जो टॉपिक रहने वाला है, यहाँ पे आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो कौन सा कर रहे हैं भाई? 24/3/2022 का शिफ्ट वन। जी हाँ, जो शिफ्ट वन है आज हम उसकी बात करेंगे। और उसके में भी क्या करेंगे भैया? पार्ट वन 30 तक। जैसा कि आप सभी को पता है भाई कि टोटल 200 प्रश्न होते हैं हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है वो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही रहता है। इसमें हाफ मार्क्स का आता है भैया, 200 नंबर का पूरा पेपर है, जिसमें से भैया 100 मार्क्स होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। तो उसके जो पहले जो 30 प्रश्न हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो होपफुली भाई आप सभी ने क्या कर दिया होगा दोस्तों? शेयर कर दिया होगा। अगर शेयर नहीं किया है तो तुरंत शेयर करेंगे सभी के पास, जिन भी आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं सभी में आप शेयर करेंगे फटाफट से। और यदि आपने शेयर कर दिया है तो भैया दिल से आपका क्या है, धन्यवाद है, थैंक्स है। और नहीं किया है तो भैया जल्दी से थैंक्स ले लो। क्यों? क्योंकि भैया आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप शेयर करेंगे तो भैया इसके जो टेस्ट है रिलेटेड वो भी आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आज जो है भैया हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, किसकी? डी ट्रिपल एस बी के। और जी हाँ, यदि आपने ये सारे पेपर लगाए जो कि हम फ्राइडे सैटरडे संडे को हम लेके चलते हैं, जो हमारी एक सीरीज है उसको, बाकी दिनों हम NIOS की तैयारी कर ही रहे हैं, आपको पता है सभी को। ठीक है, तो इससे ही आपकी तैयारी हो जाएगी किसकी? KVS की भी, STAT की भी, NVS की और EMRS की, मतलब सभी की तैयारी हो जाएगी यदि आप इसको करते हैं ढंग से, बढ़िया से, शांति से। ठीक है, तो चलिए भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। और होपफुली भाई सारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, वो यहाँ पर जुड़ चुके होंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ भाई कौन कौन है हमारे पास यहाँ पे। जी मंजू, मंजू जी हैं, करमबीर जी हैं, भैया नमस्ते सभी को। और भाई भावी मास्टर जी को भैया नमस्ते। ठीक है, आज क्लास रुक रुक कर चल रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं भैया, रुक रुक के चल रहा है क्लास। ठीक है, हल्का फुल्का हो जाता है कई बार। ठीक है, बाकी अभी तो मस्त चल रही है मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, जकास क्लास चल रही है, एक बार बता देंगे, आप भी कंफर्म करेंगे कि आप भाई सही चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम करते हैं कक्षा को स्टार्ट। जी हाँ, 30 प्रश्नों को करने के लिए तैयार हो जाइए। और जी हाँ, ये जो 30 प्रश्न रहेंगे आज रहेंगे भैया गर्भावस्था से रिलेटेड, काफ़ी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको जानने को मिलेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो भाई चलिए क्या बता भैया क्या है। ठीक है, शायद कुछ हवन पूजा पाठ वगैरह कराना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जिससे कि क्लास ना रुके। ठीक है, तो चलिए भाई फटाफट से करते हैं कक्षा को स्टार्ट। और कक्षा को स्टार्ट करते हुए चलते हैं फटाफट से प्रश्नों पर। जो हमारा प्रश्नों पर जाते हैं तो उससे पहले हमारा क्या तरीका रहता है भैया? हम करते हैं प्रणाम माँ सरस्वती को। ठीक है, माँ सरस्वती को करते हुए प्रणाम लेकर इनका आशीर्वाद और चलते हैं भैया कक्षा में आगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101, वो क्या है आपके सामने जल्दी से बता दो भाई। और टाइमर जो है वो, अरे टाइमर नहीं है इसमें, किसी में है किसी में नहीं है, मतलब मुद्दा ये है कि इसका आप आंसर बताएंगे फटाफट से। क्या है? संघर्षी भावनाओं की समझ के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंफ्लिक्टिंग इमोशन इज करेक्टली मैच्ड? बताना भैया कौन सा करेक्टली मैच्ड है। 7 to 8 year चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड दैट एनी टू फीलिंग्स कैन को एग्जिस्ट। 11 year चिल्ड्रन कैन डिस्क्राइब कंफ्लिक्टिंग फीलिंग्स टुवार्ड्स द सेम टारगेट। जल्दी से आंसर देंगे भाई, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, B, C, D फटाफट से बताएंगे भाई। बोथ 1 and 2, ओनली 1, नीदर 1 nor 2 या ओनली 2, फटाफट से आंसर देंगे भाई जल्दी जल्दी से। और मुझे ऐसा लग रहा है आप शेयर वेयर करना तो बिल्कुल ही भूल गए भाई। देखो अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो भैया सीधी सी बात है ये सीरीज जो है वो हो जाएगी भैया बंद। ठीक है, तो फटाफट से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो संख्या है भैया वो देख के थोड़ा सा ना गंदा गंदा सा फील आ रही है। ठीक है, और वो फील जो है भैया आपको क्या कर रही है, बढ़िया बढ़िया सी फील में तब्दील करना उसको आपको। ठीक है जी, तो भाई एक बार फटाफट से बता देंगे इसका आंसर क्या? डी है क्या? क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है? देखो भाई यहाँ तक जो पहली बात की है भाई, आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है, बता रहा हूँ क्यों भाई। ये क्या कह रहा है? 7-8 वर्ष का बच्चा यह नहीं समझता कि यह सीमित 2 भावनाओं का सह अस्तित्व हो सकता है।
कि भैया जो भी हम बात कर रहे हैं वो दो भावनाओं का सह अस्तित्व, मतलब दो भावनाएं एक जगह पे हो सकती हैं। ये कह रहा है नहीं समझ सकता, अरे भाई 7-8 साल का बच्चा बाप हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, वो सब समझता है। ठीक है, तो ये बात तो है हमारी गलत। हाँ ये बात सही है कि भाई 11 वर्ष का बच्चा एक ही लक्ष्य के प्रति संघर्ष भावनाओं का वर्णन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये बात है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट। गोपाल झा जी को भैया हर हर महादेव। ठीक है चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्न संख्या 102 क्या कहते हैं। देखिए आज हम 30 प्रश्न करेंगे लेकिन बढ़िया से करेंगे, और लिटरली बता रहा हूँ आज के जो प्रश्न होने वाले 6 प्रश्न है। ठीक है आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, तो इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ कि फटाफट से करेंगे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जो भी आपके साथी हैं उन सभी के पास। जी जल्दी से आंसर देंगे भाई अगले प्रश्न का क्या है। शैशवावस्था में उत्तेजना की अवस्थाओं के संदर्भ में, देखिए ये सेम प्रश्न हम अब से पहले 2 और पेपरों में कर चुके हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भैया रिपीट होते हैं, आपको इस बात को समझना है। ठीक है अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उनकी गतिविधियों से सही रूप से सुमेलित है। ड्राउजीनेस, समवट एक्टिव, वॉकिंग एक्टिवली एंड क्राइम, नन एक्सेप्ट ऑफ फॉर सडन जनरलाइज टर्टल्स। क्या होगा आंसर फटाफट से बताएंगे भाई। वेरी गुड, क्या होने वाला है आंसर यहां पे। शबाश, क्या लग रहा है, बी लग रहा है आंसर। ठीक है ओनली वन, जी नहीं यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, अच्छा ओनली वन, हाँ ओनली वन तो सही है भैया, ये तो आप पहले भी कर चुके हैं ना प्रश्न, बिल्कुल सही बात है ना। देखो ड्राउजीनेस क्या होती है, ड्राउजीनेस भाई मतलब जब आप तंद्रा में होते हैं, मतलब आधी नींद में होते हैं, सुबह सुबह जब उठते हैं ना तो भाई आप क्या होते हैं, कुछ हद तक सक्रिय होते हैं, भरपूर रूप से नहीं होते, कुछ हद तक सक्रिय होते हैं, तो ये बात तो है सही। लेकिन वॉकिंग एक्टिवली एंड क्राइंग, मतलब भैया आप एक्टिवली चल भी रहे हो, मतलब वॉकिंग एक्टिविटी भी कर रहे हो, रो भी रहे हो, तो मतलब नॉट एक्सेप्ट फॉर सडन जनरलाइज स्टार्टल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये क्या कह रहा है, अचानक सामान्य के चौंक जाने के अलावा कोई गतिविधि नहीं, नहीं इतना आसान भी नहीं है भैया। अगर हम भैया जागने की गतिविधि और रोना कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो भैया ऐसा कुछ नहीं कि हम केवल सिंपल सी चीज़ है, सिंपल चीज़ नहीं है, सामान्य के चौंक जाना नहीं है वो। ठीक है वो भैया हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा ओनली वन, ये बात सही है, दूसरी बात सही नहीं, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। डने जी बोथ नहीं होगा दीपिका कुमारी जी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओनली वन, पहला सही है दूसरा सही नहीं है। ठीक है अगर हम रो रहे हैं तो भैया क्या वो सामान्यीकृत चौंक जाने के अलावा कुछ भी नहीं है, बस चौंकना भर है, नहीं भैया जब हम दिल से रोते एक बार सोचना तब तो चौंकना क्या मतलब सब कुछ हो जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बताओ भैया अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, प्रश्न संख्या 103। सामाजिक और गैर सामाजिक खेल की पार्टेंस की श्रेणियों के ठीक है संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जल्दी से आंसर देंगे भाई, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टन्स, मिल्ड्रेड पार्टन को जानते हो ना, हाँ मिल्ड्रेड पार्टन के हिसाब से बता दो भैया, ये तो मैं थ्योरी भी करा चुका हूँ और इसके बारे में भैया मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, होपफुली आपको जिसकी 6 स्टेजेस उनके बारे में पता होगा। जल्दी से आंसर देंगे भाई, अनऑक्यूपाइड बिहेवियर, द चाइल्ड डज नॉट सीम टू बी प्लेइंग बट वॉच इज एनीथिंग ऑफ फॉर ऑफ मोमेंट्री इंटरेस्ट। ठीक है एंड सोलिटरी इंडिपेंडेंट प्ले क्या होता है भाई, द चाइल्ड प्लेज अलोन विद टॉयज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बट यूज्ड बाय नियर बाय चिल्ड्रन एंड मेक्स नो एफर्ट टू गेट क्लोज टू देम। क्या लगता है आंसर शिवाश, मिल्ड्रेड पार्टन की थ्योरी अगर आपको याद है तो आपके लिए ये प्रश्न कुछ भी नहीं है भैया, हलवा प्रश्न है आपके लिए। जल्दी से आंसर देंगे भाई मिल्ड्रेड पार्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से बताएंगे भाई क्या होगा। शिवाश आंसर देंगे फटाफट से, जी क्या होने वाला है यहां पे भाई आंसर आपका, बोथ दोनों बातें सही है, बिल्कुल सही बात है भैया, देखो दोनों ही बातें सही। अनऑक्युपाइड में क्या होता है, मतलब जब हम किसी से रिलेटेड नहीं होते, अनऑक्युपाइड है मतलब खाली व्यवहार कर रहे हैं हम, बच्चा खेलता हुआ नहीं लगता है लेकिन क्षणिक रुचि का कुछ भी देखता है, मतलब कुछ कुछ देख रहा है, अनऑक्युपाइड है वो, किसी काम में संलग्नित नहीं है। ठीक है और वही सोलिटरी, सोलिटरी मतलब होगा भैया एकांत में स्वतंत्र खेल रहा है, तो भाई बच्चा अकेले खिलौने के साथ खेलता है जो आसपास के बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खिलौने से अलग होते हैं और भाई दूसरे के साथ मिलकर नहीं खेलता है। ठीक है तो भैया ये है हमारी
फर्स्ट स्टेज है और ये कौन सी है हमारी, कौन सी है, थर्ड स्टेज, ठीक है। तो भाई ये टोटल जो है इन्होंने 6 स्टेजेस के बारे में बताया प्ले के, मिल्ड्रेड पार्टन। और अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो भैया इसके ऊपर शॉर्ट्स और वीडियो दोनों बनी हुई है हमारे ही चैनल पे, ठीक है। सोनिया फरोज, सर DSSB PRT वैकेंसी कब तक आएगी? भाई साहब ये तो देखो हम नहीं कह सकते कब तक आएगी, कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी आए, ठीक है, लेकिन जब भी आएगी मेरा मुद्दा ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं है, असली मामला ये बनता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमें भैया उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अहम केंद्रवाद का वर्णन करता है, ईगोसेंट्रिज्म को डिस्क्राइब कर रहा है, भैया बताना कौन सा स्टेटमेंट, फटाफट से आंसर दो। इट इज ए फॉर्म ऑफ सेंट्रेशन, ठीक है। इट मे एक्सप्लेन व्हाई यंग चिल्ड्रन समटाइम्स हैव ट्रबल सेपरेटिंग रियलिटी फ्रॉम द गोज इनसाइड देयर ओन हेड्स। टू स्टडी ईगोसेंट्रिज्म पियाजे डिजाइंड द 3 माउंटेन टास्क। जल्दी से आंसर देंगे भाई, क्या होगा यहाँ पे, कौन सा सही है यहाँ पे? शाबाश, नहीं भाई इस टाइम पे तो कोई बफरिंग नहीं हुई है मेरे हिसाब से, तो भाई यहां पर तो कोई बफरिंग नहीं है अपने पार्ट पे, तो भैया शाबाश आंसर देंगे फटाफट से, वेरी गुड। रुक रही है क्लास, ऐसा कैसे हो सकता है, बढ़िया नेट चल रहा है और बढ़िया मेरे सामने भी क्लास जो है उसमें तो सही लग रहा है भाई। बाकी आप आंसर दो फटाफट से, क्या होगा, शाबाश जल्दी से आप बताएंगे भाई, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। अगर आप इतने सारे कह रहे हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो सही होगा ही। अगर कोई ऐसा भी है भाई जो कह रहा है कि कोई बफरिंग वगैरह नहीं, तो एक बार कंफर्म जरूर कर देंगे भाई। चलो तब तक आप आंसर भी दो भाई फटाफट से। शाबाश, क्या आंसर रहेगा आपका, वेरी गुड। अरे भाई मैं देखो स्पीड टेस्ट किया, मैंने 300 Mbps दिखा रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा स्पीड क्या ही लोगे भाई, ठीक है। और 400 की अपलोडिंग भी दिखा रहा है, ठीक है, तो बढ़िया चल रहा है भैया, मस्त चल रहा है, ऐसा ना करो, ठीक है। हाँ वो आपके पार्ट पर भी हो सकता है। चलिए आप आंसर देंगे फटाफट से, इस प्रश्न का आंसर देंगे क्या होगा भाई। ए क्या कहता है पहला और दूसरा, बी क्या कहता है पहला दूसरा तीसरा, सी क्या कहता है पहला और तीसरा, और या दूसरा या तीसरा, आंसर देंगे फटाफट से। शाबाश, अब ठीक है। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस चेक किया है कि कितनी स्पीड दिखा रहा है, सच में ही बढ़िया वाली स्पीड दिखाई है इसने। अगर मैं एग्जैक्ट पढ़ के बताऊँ आपको तो इसने क्या दिखाया भाई, स्पीड में मस्त स्पीड दिखाई है, ठीक है जी, 250 से ऊपर ऊपर, मतलब 250-300 तक दिखाई है दोनों की, डाउनलोडिंग भी अपलोडिंग भी जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैडम जी। आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा, आपको क्या लगता है कि जो अरे वाह प्रीति शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई जो ईगो सेंट्रिज्म है, मतलब केवल अपने आप अपने ही विचारों को समझ पाना, केवल अपनी ही सोच को समझ पाना ईगो सेंट्रिज्म होता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ सेंट्रेशन, भाई सेंट्रेशन ही तो है ये भाई, केवल अपने ऊपर ही वो होना, ध्यान होना, है ना, एक ही जगह पे ध्यान कर पाना, सेंटर पे यही ध्यान कर पाना वो है। उसके बाद इट मे एक्सप्लेन व्हाई यंग चिल्ड्रन समटाइम्स हैव ट्रबल, है ना, मतलब रियलिटी को और जो उनके दिमाग में चल रहा है उसको समझ नहीं पाते, क्यों, क्योंकि वो अपना ही व्यू पॉइंट समझ रहे हैं। और इसको भाई जीन पियाजे ने 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी समझाया है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे राइट। और ये है भाई 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट, ये मैं कई बार करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ इसके बारे में, होपफुली आपको ये देख के याद भी आ गया होगा कि किस प्रकार से ये जो भाई साहब हैं ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे कि इस तरफ से क्या दिखता होगा, जबकि थोड़ी देर पहले भाई साहब यहीं से उठ के गए थे, है ना, ये केवल और केवल इस तरफ से जो इनका व्यू है ना वही बता रहे बार बार, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब आ जाओ भाई 105वां। अब देखो मैंने कहा था ना कि आज आप जानेंगे किसके बारे में भैया, गर्भ में जो बच्चा होता है उसके बारे में, प्लस में जो बच्चा छोटा, जो मतलब इन्फेंट जो बच्चा होता है, इसके ऊपर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं,
आज की क्लास इसके लिए खास रहने वाली है, जल्दी से आंसर देंगे इसका क्या होगा भाई। क्रिप डेथ इज ऑल्सो नोन एज पालना या क्रिप डेथ मृत्यु को किसके रूप में जाना जाता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम, डुप्लीकेशन सिंड्रोम या डिलीशन सिंड्रोम, जल्दी से आंसर देना। पहले आप आंसर दो फिर जो बाकी के बचे हैं उनके बारे में बताता हूं कि भैया होता क्या है, जल्दी से आंसर। और देखो हमारा मुद्दा ये नहीं कि भाई हम केवल आंसर तक सीमित रहे, हमारा मुद्दा क्या है कि जो बाकी के ऑप्शन है वो भी हमें जानने चाहिए, क्योंकि अगर बोर्ड को ये दिमाग में आ गया कि भैया इसको डिलीशन सिंड्रोम के बारे में पता है, माइक्रो डिलीशन के बारे में पता है, तो कल को इनके ऊपर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी आप फिलहाल इसके ऊपर आंसर देंगे फटाफट से क्या होने वाला है यहाँ पर। शबाश जल्दी बताएंगे भाई क्या आंसर होगा। जी आशु मीना जी को भैया गुड इवनिंग है, और आप लेट क्यों आ रहे हैं भैया, ऐसा ना करो ठीक है, समय से आओ। देखो हम चार प्रश्न कर भी चुके हैं, पांचवे का ये है ठीक है। देखो नाम से तो दिख रहा है भैया क्रिप डेथ मतलब पालना मृत्यु, मतलब पालने के अंदर मृत्यु होना, मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये तो बात है सही ठीक है जी। अब अगर बात करें भाई आंसर तो क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आ गया कि भाई क्रिप डेथ किसको कहा जाता है कि भाई अचानक से मतलब बच्चा पालने में और अचानक से बिना किसी कारण के भैया गुजर गया ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं क्रिप डेथ के नाम से जानते हैं ठीक है। अब बात करते हैं किसकी भैया, माइक्रो डिलीशन और डिलीशन, इन दोनों को एक बार समझ लेते हैं ठीक है। ये क्या है यहाँ पे बताना एक बार, ये किसकी किसका फोटो है भैया, क्या है ये, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, शबाश एक बार बताना ये किसका स्ट्रक्चर है क्या है ये। यहाँ से मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ कि भाई माइक्रो डिलीशन और डिलीशन के बारे में, डीएनए ना, बिल्कुल सही बात है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब डीएनए का कोई सेगमेंट, मान के चलिए डीएनए है इसका कोई सेगमेंट है और वो गायब हो जाए, मतलब देखो भैया जब बच्चा जब गर्भ में होता है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है ठीक है, तो उस टाइम पे यदि डीएनए का कोई सेगमेंट गायब हो जाए बड़ा, तो उसको कहते हैं भैया डिलीशन सिंड्रोम। और अगर छोटा एक छोटा पार्ट गायब हो जाए मान के चलिए, तो उसको बोलते हैं भैया माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम। ये दोनों ही रिलेटेड किससे भैया, डीएनए से रिलेटेड है। पहली बात तो ये समझो कि भाई डीएनए का छोटा या बड़ा मतलब सेगमेंट अगर गायब हो जाता है तो उसको भैया हम माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम या डिलीशन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसके कारण से भैया प्रॉब्लम आती है व्यक्ति में ठीक है। और अगर बात करें भैया डुप्लीकेशन सिंड्रोम की, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे भाई माइक्रो डिलीशन क्या है भैया, इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज बाय सीवियरली डिलेड डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड, उसके कारण से भैया सीवियरली मतलब बहुत ज्यादा देर होना है ना स्पीच में, मोटर स्किल में है ना, इन सब में दिक्कत आ जाएगी अगर ये होगा तो। किसमें, माइक्रो डिलीशन में छोटा सा भी अगर पार्ट गायब हुआ तो। लेकिन अगर डिलीशन हो गया है तो भैया फिर तो डिलीश है ना, देखो नाम से ही दिख रहा आपको डिलीट, डिलीट होना मतलब कोई एक सेगमेंट क्या हो गया भैया, डिलीट हो गया, किसका, डीएनए का, बस ये याद रखना है ठीक है। अब डुप्लीकेशन की यदि बात करें तो डुप्लीकेशन सिंड्रोम क्या है, इज ए सीवियर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। डुप्लीकेशन सिंड्रोम क्या है भैया, डुप्लीकेट हो जाना, और अगर डुप्लीकेट हो गया है अगर कोई पार्ट तो उससे क्या हो जाएगा भैया, न्यूरो डेवलपमेंटल सीवियर, बहुत ज्यादा सीवियर। आपने देखा ना भैया कुछ बच्चे जो होते हैं जन्म से ही मतलब उनका जो मेंटल लेवल है वो कम होता है बहुत ज़्यादा, उसके पीछे जो कारण है वो ये है, डीएनए के पीछे कारण है ना, अलग अलग कारण होते हैं, ये उन कुछ कारणों में से एक कारण ये भी है ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं भैया, चलिए सैमुअल किर्क ने एक्चुअली बताया है किसके बारे में, अच्छा आप डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सैमुअल एंड किर्क, चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए आगे आ जाते हैं भैया, प्रश्न संख्या 106 है, होपफुली आपको माइक्रो डिलीशन, डिलीशन और डुप्लीकेट के बारे में पता चल गया होगा, इनके होने से क्या होगा हमारे मानसिक जो संरचना उसके अंदर चेंज आ जाएगा, सीधी सी बात है ये ठीक है। चलो विच स्केल इज यूज टू एसेस द न्यूनेटल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, नवजात तंत्रिका संबंधी स्थितियों का आकलन करने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है बताना भैया, गैनोइड स्केल, प्लेकोइड स्केल, ब्रिजल्टन स्केल या अपगार स्केल, जल्दी से बताओ, शबाश आंसर दिया करो भाई फटाफट से क्या होने वाला है, वेरी गुड आप आंसर देंगे जल्दी से, किसका प्रयोग किया जाता है इसमें से भाई, इससे रिलेटेड प्रश्न हम पहले कर चुके हैं और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न भी आएगा आज ही, तो उसके लिए भी भाई तैयार रहना। फिलहाल आप इसका आंसर देंगे कि क्या है ये, कौन सा स्केल ऐसा है जो बात करेगा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की ठीक है जी। न्यूरोलॉजिकल मतलब भैया हमारे मस्तिष्क से, हमारे दिमाग से संबंधित बात चल रही है ठीक है, न्यूरॉन्स की बात चल रही है, नर्वस सिस्टम की बात चल रही है, आंसर क्या होगा फटाफट से बताएंगे भाई, सिक्स्थ का डी है क्या,
अपगार स्केल। अच्छा सी तुक्का लगाया है भाई, तुक्का ही सही है। अभी मैं बताता हूँ, देखो भाई अपगार स्केल जो होता है, मान लिया भैया अपगार स्केल होता है किसके लिए, जब बच्चा पैदा होता है ना उसके लिए होता है अपगार स्केल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, उसके बारे में भी प्रश्न बना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है किसके रिलेटेड है भैया, तंत्रिका संबंधित है। आंसर क्या है, ब्रेजलटन स्केल, याद रखेंगे आप, ठीक है। ब्रेजलटन स्केल किसके लिए, तंत्रिका संबंधी, मतलब कि भैया दिमाग सही से काम कर रहा है बच्चे का, नहीं कर रहा है, उसको हम बोलते हैं भैया ब्रेजलटन स्केल, ठीक है। ब्रेजलटन स्केल के लिए भैया मैं आपके लिए देखो लेके आया हूँ कि देखो जैसे ये चेक कर रहे हैं कि बच्चा इस बोल की तरफ देख रहा है नहीं देख रहा है, अभी दिमाग का कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, द न्यूनेटल बिहेवियर असेसमेंट स्केल, है ना। किसने लिखा है भैया, टी बैरी ब्रेजलटन एंड जे केविन न्यूजेंट, ठीक है। तो ये है भैया हमारा ब्रेजलटन स्केल, याद रखेंगे इसके बारे में, ये बुक है इसके ऊपर पूरी। और यह जहाँ तक आपने बताया भैया अपगार स्केल के बारे में, अपगार स्केल में फिर क्या क्या आता है, अपगार स्केल में आ जाता है भैया क्या, ए से एक्टिविटी, बच्चा कैसी एक्टिविटी कर रहा है, पी से क्या है भैया पल्स, बच्चे की जो पल्स है वो कैसे चल रही है, ठीक है। उसके बाद में जी से क्या है, ग्राइबेस, ग्राइबेस मतलब कि भैया वो क्या कुछ मतलब रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है स्टिमुलेशन के लिए, भाई बच्चे को देखा ना अपने वो मार के देखते हैं, चुटकी मारते हैं, चुटकी काट के देखते हैं ना, ऐसे करके देखते हैं, तो भाई वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है वो देखना है। उसके बाद अपीयरेंस, अपीयरेंस कैसे भैया, मतलब शरीर का जो रंग है वो कैसा है, मतलब नीले रंग का हो रखा है, पीले रंग का हो रखा है, बच्चे देखे होंगे आपने जब बच्चा पैदा होता तब की बात है ये, ठीक है। और आर से क्या है, रेस्पिरेशन, भाई ढंग से रेस्पायर कर रहा है नहीं कर रहा है, रेस्पिरेशन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं APGAR अपगार स्केल। ये आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हमारी बाहर की एक्टिविटीज़ को दिखा रहा है, जबकि ये क्या दिखा रहा है, ये ब्रेन की एक्टिविटीज़ को दिखा रहा है, क्या, ब्रेजलटन स्केल, याद रखेंगे दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया फटाफट से, क्या है, हाँ NBAS इसी की शॉर्ट फॉर्म है, चलो जल्दी से बताएंगे भाई। किस समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं, कम उम्र में ही सीख जाते हैं, किसके द्वारा, जेंडर डिफरेंसेस के द्वारा, जेंडर स्टीरियोटाइप के द्वारा, जेंडर आइडेंटिटी के द्वारा, जेंडर टाइपिंग के द्वारा, जल्दी से बताएंगे, शाबाश आंसर देंगे फटाफट से। कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं, क्या आंसर होगा भाई, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। और आप सच्ची में शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं क्या, है भाई सच्ची में शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं भैया फिर ये पेपर जो है ना ये कराते ही नहीं है, फिर अपना कुछ और ही देखते हैं काम, ठीक है। आंसर तो इसका फटाफट से, सेवंथ का डी है, जेंडर टाइपिंग, आंसर तो आपका सही है भाई, आंसर क्या होगा यहाँ पे, जेंडर टाइपिंग। जेंडर टाइपिंग का मतलब है कि भाई जो आपका जो जेंडर है वो कौन से टाइप, टाइप का मतलब यहाँ पे मेल है फीमेल है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है। टाइप, टाइप का मतलब क्या है भैया, जो यहाँ पे सी कह रहे हैं ना, जो यहाँ पे सी कह रहे हैं जेंडर आइडेंटिटी, में दोनों में अंतर बता रहा हूँ क्या है, कि समाजीकरण प्रक्रिया मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं। देखो अब दोनों में अंतर क्या है, जब बच्चा छोटा होता है ना, बच्चा छोटा ही होता है आमतौर पे, ठीक है, जब बच्चा होता है छोटा तो भैया वो देखता है कि यार ये जो मम्मी टाइप की जो घूम रही है ना, ये कुछ अलग अलग काम कर रही है, ये कुछ अलग टाइप के काम कर रही है, और ये जो पापा टाइप बैठा है ये कुछ अलग टाइप के काम कर रहा है, उसको बोल रहे हैं जेंडर टाइपिंग, अंतर को समझो, ठीक है, भूमिकाएं सीखता है। लेकिन जेंडर आइडेंटिटी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी है भाई जब अपने बारे में पता चलता है कि भाई मैं मेल हूं या फीमेल हूं, मुझे पापा के जैसे करना है मुझे मम्मी के जैसे करना है, वो जेंडर आइडेंटिटी है। जो आप कह रहे हैं ना वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन वो किसके बारे में है, वो अपने बारे में है। लेकिन उससे भी पहले जो स्टेज आती है वो क्या है, जेंडर टाइपिंग की, जिसमें हमें ये पता चलता है मेल के अलग काम होते हैं फीमेल के अलग काम होते हैं, मेल की ऐसी अपीयरेंस होती है फीमेल की ऐसी अपीयरेंस होती है, हालांकि मेल फीमेल नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है भैया अलग अलग तरीके के प्राणी घूम रहे हैं घर में, किसी की हाइट ज़्यादा लंबी होती है, किसी की हाइट थोड़ी कम होती है ना। तो मतलब कहने का तरीका ये है, शुरुआत में जेंडर टाइपिंग होती है, उसके बाद में जेंडर आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी किसके बारे में, अपने बारे में जब पता चलता है, सही है।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चलो जी अगले प्रश्न पे आओ भाई। किन परीक्षणों में ऐसे प्रश्न या कार्य शामिल होते हैं जो यह दिखाने वाले होते हैं कि किसी व्यक्ति के पास मापी गई कितनी क्षमताएं हैं? बताओ भाई जल्दी से। विच टेस्ट इंक्लूड क्वेश्चन और टास्क दैट आर सपोज टू शो हाउ मेनी ऑफ द मेजर्ड एबिलिटीज ए पर्सन हैज, भाई कितनी एबिलिटीज हैं ये दिखाने के लिए अगर कोई टेस्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा टेस्ट होगा? शबाश आंसर देंगे फटाफट से, 108, 8 लिख के आंसर देंगे भाई। डी है क्या, 8वें का आंसर क्या आया, 8वें का आंसर भैया बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट। क्योंकि देखो जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, वो किससे रिलेटेड है, हमारी एबिलिटीज से रिलेटेड है, ठीक है जी, हमारी क्षमताओं से रिलेटेड है ना। और यही कारण है कि जो हमारे कौन है, थर्स्टन बाबू है, जो हमारे थर्स्टन बाबू हैं उन्होंने क्या कहा है भैया, सेवन टाइप्स ऑफ PMAs। PMAs का मतलब क्या है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, सात प्रकार की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई है। क्यों बताई है, क्योंकि भैया एबिलिटीज है ये इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट, ठीक है, डी सही है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ फटाफट से। भ्रूण में, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर जो है ना शुरुआती ही, अब ये जिसने भी एग्जामिनर ने बनाया उसने सारे प्रश्न यहाँ पे इसके डाल दिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। भ्रूण में निम्नलिखित में से कौन सी हलचल उससे संबंधित आयु से सही ढंग से सुमेलित है, ठीक है, हलचल कर रहा है और आयु कौन सी होगी जल्दी से बताएंगे। जनरल ब्रीदिंग मूवमेंट्स 8 हफ्ते का, इंक्रीज इन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स 10 हफ्ते में, जल्दी से बताएंगे भाई फटाफट से। भाई जो सामान्य छटपटाना जो है 8 सप्ताह में शुरू हो जाता है और भाई सहज हलचल में वृद्धि हो जाती है 10 सप्ताह में, निम्न मतलब इनमें से सही कौन सा है जल्दी से बताओ, बोलो भाई आंसर देंगे फटाफट से। शबाश नाइन्थ का क्या है, ए क्या, ओनली वन। देखो भाई ये बात आप समझेंगे, 8 सप्ताह का बच्चा है ना, बात चल रही है भैया भ्रूण की, भ्रूण मतलब कि भैया जब माँ के गर्भ में है, ठीक है, तो जब बच्चा होता है भैया 8 सप्ताह का, मतलब 2 महीने का मान लो, लगभग 2 महीने का, आपको पता है कि वही टाइम होता है जब उसके अंदर भैया क्या है, दिल बनना शुरू होता है, ब्रेन बनना शुरू होता है, ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो वहीं से क्या होता है, बच्चे में हल्की हल्की सी हलचल होनी शुरू हो जाती है, सामान्य जो हलचले होते हैं, सामान्य छटपटाना मतलब लगने लग जाता है कि हाँ भैया सच में ही कोई जीवित प्राणी है अंदर, ठीक है। तो ये बात तो सही है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि अगले 2 हफ्ते में भैया वृद्धि हो जाती है, मतलब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट में इंक्रीज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसी लेवल पे रहता है, वो फिर बाद में जाके बढ़ता है, ठीक है, वो काफी बाद में जाके बढ़ता है। तो ये बात सही है, ये बात है गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट, ठीक है जी, ए सही है। सोनकर प्रीति जी को भैया गुड इवनिंग है, डन है। चलो जी अब आ जाओ अगले प्रश्न पे, क्या कहता है भैया गैस्टुला। देखो भैया फिर से वही, ये अभी गर्भ में ही है, गर्भ से बाहर निकले ही नहीं है। गैस्टुला की कितनी परतें अंततः सभी शारीरिक संरचना के लिए आधार बन जाती है, क्योंकि भ्रूणीय अवस्था के दौरान कोशिका विभेदन जारी रहता है, है ना, आपको बताया भैया क्या, माइटोसिस मियोसिस के बारे में सुना होगा ना, जब जो कोशिकाएं होती है वो मतलब विभाजित होती रहती है, बढ़ती रहती है, दो दो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरीके से भैया बढ़ती जाती है। तो वो ये कह रहा है भैया कितनी परतें होती है गैस्ट्रोला की, गैस्ट्रोला की कितनी परतें होती है एक बार बताना भाई जल्दी से, गैस्ट्रोला क्या लगता है 10वें का, बी, अरे वाह सही है ये तो भाई, बी 3 परतें होती है भैया, 3 परतें कौन सी होती है भाई, 3 परतें होती है अपनी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, है ना, एक्टो मतलब बाहर की, फिर एक बीच की परत होती है जिसको हम मीजो मतलब बीच की, और फिर एंडो, एंडो मतलब अंदर की एक परत होती है। तो ये 3 परतें जैसे कि आप देख पा रहे हो भैया, एक तो ये है ब्लू कलर में, एक ये है ब्राउन कलर में, और एक ये है भैया किसमें, रेड कलर, किसमें, ग्रीन कलर में जो है ना, ये 3 परतें होती है जिसको हम बोलते हैं भैया गैस्ट्रुला के अंदर पाई जाती है, ठीक है। गैस्ट्रुला से पहले क्या होता है भैया, ब्लास्टुला होता है, पहले ब्लास्टुला होता है फिर वो किसमें बदल जाता है, जब ये परतें 3 बन जाती है उसी को बोलते हैं गैस्ट्रुला, ठीक है, गर्भ के अंदर की बातें चल रही है सारी। चलो जी आगे चलते हैं भैया। इन विच टाइप ऑफ अटैचमेंट एन इन्फेंट क्राइज और प्रोटेस्ट वेन द प्राइमरी केयर गिवर, मतलब भैया माँ के पास बच्चा है, ठीक है, लीव्स एंड
एक्टिवली सीक्स आउट फॉर केयर आउट द केयर गिवर अपॉन हिज और हर रिटर्न. ठीक है, मतलब भैया आपने बच्चे को माँ से ले लिया और माँ वहाँ से चली गई, तो बच्चा जो छटपटाना शुरू कर देता है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, आपने सुना होगा ना सेपरेशन एंग्जाइटी वगैरह के बारे में, वही है ना. जब एक दादी माँ से बच्चे को लेती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हालांकि यहाँ पे सेपरेशन एंग्जाइटी नहीं लिखा है, पर इसका आंसर क्या होगा एक बार बताएंगे. सोनकर प्रीति जी कह रहे थ्योरी की क्लास ले लीजिए. ठीक है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं. अभी तो आप इसका आंसर दो फटाफट से भाई, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं. ठीक है, जो अपना DTPLSV का हुआ था कब, 24/3/2022 को, है ना, 24/3/2022 को हमारा ये पेपर हुआ था. और इसका क्या है भैया, शिफ्ट कौन सी है, ये शिफ्ट है 1. ठीक है, ये पहली शिफ्ट का पेपर है ये, और आज हम 101 से 130 तक प्रश्न करने वाले हैं. ठीक है, बाकी के 30 कल करेंगे, बाकी के 40 परसों कर लेंगे. सिक्योर अटैचमेंट है, चलो भाई बड़ी अच्छी बात है भैया, आंसर क्या हो जाएगा, सिक्योर अटैचमेंट, है ना. मतलब वो वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, जब किसी अजनबी ने लिया तो भैया उसको जो है लगा कि भैया तेरी सुरक्षा तो गई, है ना. सुरक्षा यहाँ पे मम्मी को बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा. 112वां प्रश्न आ जाता है भैया अपने सामने, क्या कहता है, पियाजे के अनुसार. ओहो हो, पियाजे का आ गया भैया. मानसिक छवि या वस्तुओं और अनुभवों के प्रतीकों को संग्रहित करने की क्षमता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बोलो भाई किसका प्रयोग किया जाता है. यहाँ पे देख लो स्कीमा नहीं लिखा है, है ना. आप स्कीमा ढूंढ रहे होगे ना कि भाई मानसिक छवियाँ जो होती है उसके लिए क्या आएगा, स्कीमा यहाँ पे दिया ही नहीं. तो अब क्या कहेंगे आप, शाबाश. क्रिटिकल एबिलिटी, रिप्रेजेंटेशनल एबिलिटी, फ्लेक्सिबल एबिलिटी या लर्निंग एबिलिटी? जल्दी से आंसर देंगे भाई बराबर से. शाबाश शाबाश, 12 लिख के आंसर देंगे. पहले लिखेंगे 12 और उसके बाद में देंगे आंसर हमारा. शाबाश, बताएंगे भाई फटाफट से. वेरी गुड, सी फ्लेक्सिबल एबिलिटी. हाँ, भावी मास्टर जी का आंसर बढ़िया, बिल्कुल एक नंबर का. रिप्रेजेंटेशनल एबिलिटी, कैसे भैया इसको आप रिलेट कर लो थोड़ा सा. रिप्रेजेंटेशनल एबिलिटी अगर मैं कहूँ तो भैया जो ब्रूनर बाबू है ना, ब्रूनर बाबू, जो ब्रूनर बाबू हैं उन्होंने स्कीमा को रिप्रेजेंटेशन ही कहा है. ठीक है, तो भैया आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेजेंटेशनल एबिलिटी या प्रतिनिधित्व क्षमता. ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम राइट है, बढ़िया है. चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई. लैंगिक भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर डिफरेंसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जेंडर डिफरेंसेज के अकॉर्डिंग बताना भाई. इट इज एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस एंड हैज टू डू विद हैविंग अ सेंस ऑफ पीस एंड पर्पज. अच्छा जी, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डिफरेंसेज बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड रेशियल इक्वलिटी. इट इज द वेरियस डेफिसिट बिहेवियर, वेरियस बिलीफ बिहेवियर लैंग्वेज कंसिडर्ड यूनिक टू मेंबर ऑफ ए स्पेसिफिक एथनीसिटी. क्या होगा आंसर? हाँ, 24वें का फर्स्ट शिफ्ट है ये, 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है. 13 का आंसर क्या बी है ना, बिल्कुल सही बात है भाई. ठीक है, आंसर क्या है, बी. क्योंकि भाई देखो जेंडर लैंगिक भिन्नता है तो भाई किसके हिसाब से होगा, पुरुषों और महिलाओं के हिसाब से होगा, है ना. व्यक्तिगत अभ्यास तो नहीं है ये. ठीक है, ना ही भैया हम रेस के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, है ना, बात कर रहे हैं, ना ही हम भाई किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक एथनिसिटी के हिसाब से या भाई लैंग्वेज के हिसाब से बात नहीं कर रहे हम, बात करें भाई मेल और फीमेल के हिसाब से. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जेंडर डिफरेंसेस की बात आई है. ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है भाई, आत्म अवधारणा क्या है, व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट? सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? यह किसी की क्षमताओं और लक्षणों की वर्णनात्मक और मूल्यांकन मानसिक तस्वीर है, यह हमारी पूरी छवि है, सेल्फ कॉन्सेप्ट. बोलो भाई कौन सा आंसर होगा यहां पे सही, फटाफट से बता दो. शाबाश, आंसर देंगे भाई जल्दी से. वेरी गुड, बोलो भाई आंसर क्या होगा. फोर्टींथ का डी है क्या? ओहो, फोर्टींथ का तो भैया डी है, बिल्कुल सही बात है भाई. आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 और 2, बोथ दोनों ही बातें सही है. क्या है, पहली बात, इट इज द डिस्क्रिप्टिव एंड इवेल्युएटिव मेंटल पिक्चर ऑफ द एबिलिटीज एंड ट्रेट्स. भाई हमारे जो किसी की क्षमताओं और लक्षणों की वर्णनात्मक और मूल्यानात्मक जो भी है मानसिक तस्वीर है,
ठीक है, ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है भाई, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, और यह है हमारी पूरी छवि, मतलब टोटल इमेज है हमारी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम राइट, सही है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पियाजे के उपागम का वर्णन करता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए पियाजियन अप्रोच, पियाजे के अप्रोच के बारे में बात चल रही भाई। यह संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली के गुणात्मक चरण का वर्णन करता है, यह एक व्यक्ति के पास मौजूद बुद्धि को मापता है। बोलो भाई, शाबाश, आंसर देंगे फटाफट से, 15 लिखेंगे उसके बाद देंगे आंसर भाई, पहले 15 उसके बाद में आंसर। क्या लग रहा है आपको, दोनों बातें सही है? लेट्स फन जी कह रहे भैया दोनों बातें सही है, कोई और? शाबाश, जल्दी से बताएंगे भाई, वेरी गुड। शबाश, आंसर क्या आएगा भाई? भाई आंसर यहां पे क्या होगा, आंसर होगा ओनली वन। ओनली वन क्यों? क्योंकि भैया बुद्धि को मापता है क्या? बोलो, पियाजे ने ऐसा क्या दिया था जो बुद्धि को मापता है? बुद्धि को मापने के लिए तो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, बुद्धि को मापने के लिए तो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि भाई स्टेजेज के आधार पर गुणात्मक चरण बना रखे कि भैया इस चरण में ये गुण पाए जाते हैं, इस चरण में मतलब इस स्टेज में ये हमारी विशेषताएं होती है, इस चरण में ये विशेषताएं होती है। ये तो बात सही है, पर ये बात सही थोड़ी है। बोलो, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाई पियाजे का सिद्धांत कोई बुद्धि मापता है? अगर बुद्धि मापता तो उसको हम इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं ना, समझो इस बात को। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट। चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 116 क्या कहती है? 116वां प्रश्न है भाई, पूर्व संक्रियात्मक विचार, मतलब सीधी सी बात है भैया, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात चल रही है। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है भाई, बताना कौन सा सही मैच कर रहा है। सेंट्रेशन क्या कहता है? चिल्ड्रन फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर्स, क्या ये सेंट्रेशन है या नहीं वो बताएंगे आप। दूसरा, ईगो सेंट्रिज्म क्या कहता है? चिल्ड्रन एट्रीब्यूट लाइफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट अलाइव, इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत। गुड इवनिंग है भैया शारदा सोलंकी जी को, थोड़ा लेट हो गए आप, है ना, थोड़ा सा टाइम से आ जाएगा भैया, शुरू शुरुआत में ना मतलब संख्या कम देख के ना फिर थोड़ा दिल से ये कहता है यार क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है, आंसर देंगे भाई फटाफट से। शबाश, भावी मास्टर डी जी कुछ समस्या हो तो पूछ लेना। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दोनों बातें सही है भाई। जो ओ जो मतलब ए कह रहे हैं आप, ये बताओ क्या ईगो सेंट्रिज्म जो होती है वो मतलब निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझना होता है? नहीं भाई, वो तो एनिमिज्म होती है। वो क्या होती है? एनिमिज्म। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है? ईगो सेंट्रिज्म मतलब ये होता है कि भाई आप केवल और केवल अपने विचार समझ सकते हैं, केवल और केवल अपने आप को आप सेंटर में रखते हैं और उससे आपको कोई मतलब नहीं है, अहम केंद्रित हैं आप, ठीक है। हाँ, सेंट्रेशन, ये बात सही है कि भाई एक समय पर केवल एक ही विशेषता देख सकता है, दूसरी नहीं देख सकता, तो ये बात तो सही है और ये है गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली वन। ठीक है, डन होगी बात। प्री ऑपरेशनल में सेंट्रेशन ही होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल में डिसेंट्रेशन आता है। इसमें तो केवल सेंट्रेशन ही होता है भाई। भाई सेंट्रेशन है तभी तो वो ये बता रहा है कि लंबे गिलास में जो है पानी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू चौड़े गिलास में। सेंट्रेशन का मतलब क्या है? केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाना। क्या लिखा है? केंद्रीकरण बच्चे स्थिति के एक 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 पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, केवल लंबाई देख पा रहा, चौड़ाई गहराई देख ही नहीं पा रहा है और दूसरों को उपेक्षा करते हैं, तो यही तो है सेंट्रेशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट। ठीक है, चलो अब आ जाओ भाई अगले प्रश्न पर। देखो अपगार के ऊपर अभी हमने बात की थी ना, अपगार की, आ गया भैया अपगार पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और ये तो आपको भैया बढ़िया से आंसर देना चाहिए, जल्दी से बताओ पढ़ के। 117 का आंसर दे दो फटाफट से। जी जल्दी से आंसर देंगे भाई, 117 का क्या होने वाला है? आफ्टर बर्थ मोस्ट बेबीज आर असेस्ड ड्यूरिंग द अपगार स्केल, इट हेल्प्स अस रिमेंबर
इट्स सबसेट्स अपीयरेंस पल्स ग्रीमेस है ना एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन बोथ दोनों चीज़ें सही है ना। देखो अभी हमने पढ़ा था अपगार, अपगार का मतलब ही ये होता है ना कि बच्चे की भैया अपीयरेंस कैसी है, पल्स कैसे चल रही है, ग्राइमेंस कैसा है, एक्टिविटी कैसी है और रेस्पिरेशन कैसा है, ठीक है। और दूसरी बात भैया मोस्ट बेबीज जो है इसके द्वारा मापे जाते हैं, देखा जाता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोनों ही बातें सही हैं, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ गया भैया 118, 118वां प्रश्न क्या कहता है भाई, सूचना प्रसंस्करण उपागम संज्ञानात्मक विकास उपागमों में से एक है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात चल रही है भैया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज वन ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोचेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट, भाई कौन सा इनमें से करेक्ट है जल्दी से बता दो। शाबाश, यह धारणा अधिगम स्मृति और समस्या समाधान में शामिल प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, ठीक है, यह संज्ञान में व्यक्तिगत अंतर से संबंधित है। शाबाश, आंसर देंगे भाई जल्दी जल्दी से, 18वें का बोध है क्या दोनों भाई? देखो ये तो बात सही है कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किससे रिलेटेड भैया, संज्ञान से है, सही बात है ना। और दूसरी बात क्या है भाई, इसके अंतर्गत भैया धारणाएं हमारे मतलब कॉन्सेप्ट अधिगम स्मृति सारी चीजें आ जाती हैं, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट। बात समझ में आ रही है भाई, ए नहीं होगा सी होगा, दोनों बातें तो सही हैं, ओनली वन भाई संज्ञान में व्यक्तिगत अंतर से संबंधित है ना। अगर मैं कहूँ भाई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच अपनाते हैं कि भैया हम किस तरीके से हमारा माइंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, अलग अलग व्यक्तियों का माइंड अलग अलग तरीके से एक ही इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जैसे आपके सामने प्रश्न तो एक आता है लेकिन आप उसको समझते सभी अलग अलग तरीके से हैं, हाँ कि ना, यही तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। और इसके अंदर आपका भैया संज्ञान का जो व्यक्तिगत अंतर है भाई, सभी का संज्ञान अलग अलग है जिसके कारण से आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं इसको। एंड सेकंड थिंग क्या है इसके अंदर भैया, ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं है ना, आपका परसेप्शन भी आ रहा है, लर्निंग भी आ रही है, मेमोरी भी आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एग्जाम में यही तो देखा जाता है कि भाई आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग किस तरीके से काम कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही बातें सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डन है, दोनों ही सही है थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोटर कौशल का वर्णन करता है? और देखो इतने बड़े बड़े प्रश्न दिए जाते हैं और आपको केवल 120 मिनट में मतलब 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं, और जिसमें से भैया 20 आपके मैथ्स के भी हो जाते हैं, 20 आपके रीजनिंग के भी हो जाते हैं, ठीक है। तो भैया बड़ा भारी खेल है, बढ़िया से जल्दी से पढ़ के आंसर देने की कोशिश करो। ग्रोस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व द लार्ज मसल्स लाइक रनिंग एंड जंपिंग, फाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन लाइक ड्राइंग पिक्चर्स, जल्दी से आंसर दो क्या होगा 119 का, 119 का बी मतलब ओनली टू या बोथ, आंसर होगा भैया डी है ना, बोथ, दोनों ही बातें तो सही है भाई। ग्रोस का मतलब क्या होता है, बड़ी मसल्स जो होती हैं। अब जो बड़ी मसल्स हैं वो किसके लिए काम में आएंगे भैया, रनिंग के लिए, भागने के लिए, देखो भाई बड़ी मसल्स होती हैं हमारी यहाँ पे, ठीक है, और जंपिंग के लिए भी भैया बड़ी मसल्स यूज होती हैं है ना, उछलने के लिए, ठीक है। वहीं पर जो भैया ड्राइंग वगैरह के लिए क्या होगी, छोटी मसल्स का प्रयोग होगा, हाथों की मसल्स जैसे होती हैं, तो दोनों ही बातें सही, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट, ठीक है। 120वां प्रश्न आ गया भाई, भ्रूण के सामान्य विकास के लिए जन्म पूर्व वातावरण के महत्व को डैश के द्वारा दर्शाया गया, बताना एक बार। चलो ये कुछ जानने का प्रश्न है, जल्दी से बताओ, द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीनेटल एनवायरनमेंट फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज इलस्ट्रेटेड बाय, किसके द्वारा भैया, थैलिडोमाइड ट्रेजेडी, मिनेमाता स्ट्रेटजी, चेर्नोबिल ट्रेजेडी है ना, या भैया भोपाल ट्रेजेडी, ट्रेजेडी है स्ट्रेटजी नहीं है, बताओ जल्दी से। ये चार प्रकार की ट्रेजेडी बताई है। अब भैया भ्रूण के बारे में कौन सी है भैया, वातावरण का महत्व होता है, क्या होगा आंसर देंगे डी, चलो मैं बता देता हूं, अरे भाई 20 लिख के आंसर देंगे, लिखेंगे भैया 20 उसके बाद देंगे आंसर, ए लेट्स फॉर भी ए कह रहे, भैया पुजारी भी ये कह रहे हैं, शारदा सोलंकी भी ये कह रहे हैं, आंसर भैया आपका बिल्कुल सही है, थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। देखो ये थैलिडोमाइड है ना, ये क्या है, ये एक तरीके की भैया दवाई है ना, एक तरीके की क्या है, मेडिसिन है, और ये मेडिसिन किसके लिए यूज होती है, ये 1950s और 60s के दशक में इस मेडिसिन का प्रयोग किया गया, किसके लिए भैया, जो मतली आती मतलब जो उल्टी गिरती है ना माओं को, ठीक है, उसके लिए रोकने के लिए प्रयोग किया गया।
लेकिन इसके अंदर ये कमी पाई गई कि जो उनके फिर बच्चे हुए ना, जो गर्भ में उस समय पर बालक थे, जिन जिन माओं ने ये दवाई ली, उनके भैया सभी के जो बच्चे थे वो कैसे हुए, विकृत पैदा हुए, ठीक है। और वो एक तरीके की बहुत बड़े लेवल की ट्रेजेडी थी, दैट्स वाई इसको बोलते भैया थैलीडोमाइड ट्रेजेडी। थैलीडोमाइड क्या है भैया? एक दवा का नाम है, बात नंबर एक। तो इसके क्या पता चला कि भैया एम्ब्रियो का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, ये तो बात सही है। अगर हम बात करें भैया मिनामाता ट्रेजेडी, ये कहाँ पे हुई थी भैया? जापान में हुई थी, ठीक है, जापान में हुई थी, ठीक है। और जापान में इसमें भी क्या हुआ था भैया, जो मतलब दिमाग जो है उसके ऊपर असर पड़ा था, ठीक है। ये एक डिजीज है मिनामाता, ठीक है, जिसको ये डिजीज हुई थी भैया, उसके जो बच्चे हुए थे वो मतलब विक्षिप्त हो गए थे, ठीक है। उसके बाद में भैया चेर्नोबिल ट्रेजेडी, ठीक है, ये कब होती है भैया? ये होती है 1986 में, ठीक है। कहाँ पर होती है? यूक्रेन में, ठीक है। अब यूक्रेन का आपको पता है भैया, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर कोई जो प्लांट लगा रखा था न्यूक्लियर प्लांट, उसमें भैया कुछ सिक्रेशन हुआ, जैसे भी हुआ, जिसके कारण से बच्चों के ऊपर असर पड़ा था, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, चेर्नोबिल ट्रेजेडी। बच्चों क्या मतलब बड़ों के ऊपर भी असर पड़ गया था भैया, न्यूक्लियर तो अलग ही चीज़ होती है। और भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो सबको पता है, कब हुई थी? 1984 में हुई थी, ठीक है। भारत की भैया बड़ी फेमस ट्रेजेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, गैस लीक हो गई थी जिसके कारण से भैया ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है। तो लेकिन जो माँ के गर्भ से संबंधित है वो क्या है? थैलीडोमाइस ट्रेजेडी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, राइट। और इसके ऊपर पहले भी हम प्रश्न कर चुके हैं अगर आपको याद है तो, ठीक है। चलो अगले आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज टू बी कैप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ ग्रुपिंग ड्यूरिंग मल्टीग्रेड टीचिंग? भाई मल्टीग्रेड टीचिंग के ऊपर देखो, हमने कल ही बात करी थी, मल्टीग्रेड मल्टी लेवल के ऊपर, इसके ऊपर ही प्रश्न आ गया है, जल्दी से बताएंगे भाई। बहुकक्षा शिक्षण के दौरान, अब आपको जिसने भी कल क्लास लगाई थी सबको पता होगा भाई मल्टी ग्रेड क्या होता है और मल्टी लेवल क्या होता है। हाँ, मरकरी से होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, मरकरी से होता है। जल्दी से बताओ आंसर इसका। सर क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सोनी अफरोज शेख जी, आप शेयर कर दो बढ़िया से, आपको यही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लास में जाने से पहले ही लिंक दे दूंगा, ठीक है। लेकिन शेयर करना शुरू करो भाई, देखो ऐसे मजा नहीं आ रहा है ना, संख्या दिख के तरफ देखता हूँ ना फिर दिल सा बैठ जाता है यार, ये हो क्या रहा है। एग्रीड कि अभी एग्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, तैयारी अभी से ही करनी है, ठीक है। अगर हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो भैया फिर हमें समय भी नहीं मिलने वाला तैयारी करने का, ये मैं बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं भाई प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कोई भी एरिया नहीं छूट रहा है, ठीक है। तो भैया हमें हर जगह से तैयारी करनी ही पड़ेगी अगर हमें सक्सेस चाहिए तो। ये किसमें का क्या बी आ रहा है, बोथ वन एंड टू, ठीक है। समूह छोटा होना चाहिए जिसमें चार पांच छात्र हो, ये बात तो भैया सही है, मल्टी ग्रेड की बात चल रही है यहाँ पे, चार चार पांच पांच के हम समूह बना सकते हैं। विद्यार्थी को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार समूह से जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, भैया ये बात भी सही। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, ठीक है। क्या है? समावेशी शिक्षा के संदर्भ में समावेश में कौन से अवसर शामिल हैं? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विच अपॉर्चुनिटीज इज इंक्लूडेड इन इंक्लूजन? बताओ भाई क्या क्या शामिल किया जाता है? अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द फुल रेंज ऑफ सोशल एक्टिविटीज, अपॉर्चुनिटीज टू अपॉर्चुनिटीज ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक अपॉर्चुनिटीज। आंसर देंगे बराबर से, शाबाश, 22वें का बहुत है। चलो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इंक्लूजन करने के लिए भैया हम कला खेल और संगीत के अवसर भी देंगे और भाई सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी अवसर देंगे, तो भाई दोनों ही बातें सही। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट। 123वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि छात्रों के अनुकूल नहीं है? चलो देखते हैं इसका आंसर कौन देता है बढ़िया सा। 123 लिख के आंसर देंगे, पहले लिखेंगे 23 उसके बाद में देंगे आंसर, 23 उसके बाद में आंसर देंगे भाई। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो भाई छात्रों के अनुकूल नहीं है। 23वें का डी है, सही सही बता दो। अरे भाई सारे सही कह रहे हैं तो गजब हो गया भैया, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों मेथड्स है ना, ये क्या है भैया? ये चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, यहाँ पर बच्चा स्वयं करके सीख रहा है। लेकिन ये वाला जो मेथड, ये क्या है भैया? टीचर सेंटर्ड है, टीचर ही डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है उस चीज़ को बच्चों के सामने, ठीक है। लेक्चर मेथड से बेटर है ये, पर इनके जितना बेटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है, और ये क्या है? टीचर सेंटर्ड मेथड है। डन है, चलो
डी आंसर सही है आपका भाई। 124वां प्रश्न आपके सामने है। ए वेरी फेमस एसे ए पोएट स्कूल वाज रिटन बाय, एक बहुत प्रसिद्ध निबंध ए पोएट स्कूल किसके द्वारा लिखा गया था बताना एक बार भाई। जॉन रस्किन, एल्फ्रेड बिने, रविंद्रनाथ टैगोर या टॉमस हेनरी। शाबाश सोनिया फरोज शेख जी का भैया, पहला दिन है तो भाई। हाँ बिल्कुल, 8 बजे क्लास होती है भाई डेली, ठीक है। तो आपका भैया हार्दिक स्वागत है, आप आए हैं तो आपका पहला दिन है तो आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डेली क्लास लगाइए, और अगर आप डेली क्लास का नोटिफिकेशन भी चाहते हैं तो वहीं पर है, क्या होगा भैया, एक बटन है किसका, लाल रंग का, सब्सक्राइब का, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो भाई डेली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और आप आके बढ़िया से क्लास लगा सकते हैं, ठीक है। तो भाई जल्दी से इसका आंसर देंगे, क्या होगा इसका आंसर, होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही बात है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने भैया ये कब लिखा था, 1916 में लिखा था, ठीक है, ए पोएट स्कूल, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने अपनी नई शिक्षा योजना शुरू करने के लिए सेवाग्राम में एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया था? अखिल भारतीय सम्मेलन कौन से ईयर में बुलाया था, 38 में, 44 में, 36 में या 40 में? बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर, ए पोएट स्कूल, बिल्कुल ठीक बात है। इसका आंसर देंगे भाई 125 का। महात्मा गांधी ने भैया कॉन्फ्रेंस बुलाई थी किसके लिए? चलिए जी सोनिया फरोज जी, आपका मतलब सही में बढ़िया बढ़िया था, आपको डेली बढ़िया बढ़िया प्रश्न कराएंगे। 30 क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं, 30 ही हम कल करेंगे, और परसों हम करेंगे भैया 40, तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और उनको बढ़िया से समझ के करेंगे, इसीलिए हम शिफ्ट में कर रहे हैं ना। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, मंडे टू थर्सडे मतलब 4 दिन हम जो करते हैं वो NIOS जो है उससे रिलेटेड ब्लॉक्स करते हैं। एक दिन में एक ब्लॉक के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, 40-50 के लगभग क्वेश्चन, 30-40-50 ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए जी आंसर क्या होगा, आंसर है भैया इसका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है। हालांकि जो ये इन्होंने न्यू एजुकेशन स्कीम जो थी, वर्धा स्कीम जिसको कहते हैं, ठीक है, ये शुरुआत कब करी थी, 1937 में, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय सम्मेलन कब बुलाया था, 1944 में, ठीक है, 1944 में। यहाँ पे ये नहीं कि शुरुआत कब करी थी, तब तो आप 37-38 कह सकते हैं, लेकिन सम्मेलन कब बुलाया था भैया, सम्मेलन बुलाया था सेवाग्राम सम्मेलन जिसको कहते हैं भैया, 1944 में, याद रखेंगे आगे से, ठीक है। चलो जी 126वां प्रश्न है। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की में बड़ी संख्या में सीमाएं हैं, मतलब भैया बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी कमियां हैं। सीमा मतलब भैया कमियां होना, कि भैया यहां तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता, ठीक है। इनमें से कौन सी वह सीमाएं नहीं है, मतलब कौन सी इसमें से भैया शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की सीमा नहीं है, सीधी सी बात ही है। शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, मूल्यांकन ज्यादातर योगात्मक प्रकृति का होता है, छात्रों की बेहिच, वाद विवाद और चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है, और भाई शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित है, कौन सी इसकी एक सीमा नहीं है, जल्दी से आंसर देंगे भाई 126 का। पहले लिखेंगे 26 उसके बाद में देंगे आंसर आप सही वाला, पहले लिखेंगे 26 उसके बाद में देंगे आंसर। शाबाश। और भाई चलो एक काम करते हैं, ठीक है ना, कल जो है हम इसके 131 से जो 160 हम प्रश्न करेंगे ना, कल इसका हम क्या देते हैं आपको, एक टेस्ट देते हैं, है ना, टेस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्लास का जब एंड होने वाला होगा, ठीक है, फिर आप वो 30 क्वेश्चन जो है वो करेंगे और मुझे बताएंगे कि भैया कितना आपका स्कोर रहा, है ना, कल हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से अभी फिलहाल इसका आंसर देंगे भाई, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की मतलब कौन सी इनमें से सीमा नहीं है, शाबाश। और ये सीमा वो सीमा बिल्कुल भी नहीं है भाई, देखो अब मैं बता देता हूँ, मूल्यांकन ज्यादातर योगात्मक प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही बात है भैया, ये तो कमी है। आप देखो जब तक हम टीचर सेंटर चल रहे थे ना, तब तक वही लास्ट में जाके पेपर होते थे, डेली कोई नहीं ले रहा था। ये जो CCE आया है ना, कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये किसके कारण से आया, चाइल्ड सेंटर के कारण से आया, तो ये तो इसकी कमी है, सही बात है। उसके बाद छात्रों के बीच वाद विवाद चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बात भी सही है, क्योंकि भैया टीचर लीड करके चल रहा है, बच्चों को तो हम दे ही नहीं रहे हैं, बच्चा तो पैसिवली बैठा है, ठीक है। उसके बाद में शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित है, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये कोई हम कभी नहीं कहेंगे कि भाई शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। क्यों नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता है? अरे भैया जब तुम्हारे अकॉर्डिंग सारा चल रहा है तो फिर भी तुम ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, तो
तो ये कोई मतलब कोई उसकी कमी नहीं है, शिक्षक केंद्रित की कमी नहीं है, शिक्षक की कमी है अगर नहीं कर पा रहे तो, है ना। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा राइट, सही है। हाँ चलो भाई 127वां प्रश्न क्या कहता है, डैश इंक्लूड्स एक्सक्लूजन और डिसअप्रूवल ऑफ एनी काइंड, डैश में किसी प्रकार का बहिष्करण या अस्वीकृति शामिल है, किसमें भैया, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर में, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर में, प्रोफिशिएंट बिहेवियर में, या प्री अरेंज बिहेवियर में। सर डी ट्रिपल एस बी एस एस टी वाला पेपर भी करवा दो भैया, एस एस टी का जो पेपर होगा उसके अंदर भैया इसके इक्के दुक्के प्रश्न आते हैं, ठीक है आते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन आते। तो भैया मेरा जो वो है आपको बताइए, और आप यहाँ पे बढ़िया सी अगर वो लेके आए, क्या बोलते हैं, संख्या लेके आए, तब तो हम माने भी कि भाई देखो डी ट्री प्लस बी पे काम करना चाहिए, आपकी संख्या को देख के तो मुझे लग रहा है कि भैया मैं ही गलत करा रहा हूँ, है ना, गलत कर रहा हूँ अशुभिना जी। आंसर क्या होगा 27वें का बी, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है भैया। आंसर क्या हो जाएगा, भेदभावपूर्ण व्यवहार, क्योंकि जब हम भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, भेदभाव का मतलब ही क्या है कि भैया हमने किसी का बहिष्कार कर दिया है या हमने किसी को स्वीकार नहीं किया है, तभी तो भेदभाव होगा ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही। चलो अगला प्रश्न भैया हलवा प्रश्न, इसके ऊपर तो हम टाइम लगाना भी बेकार है। 128वां प्रश्न क्या कहता है, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कितने से कितने वर्ष तक होगा, 6 से 14 वर्ष तक। आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, और क्या होगा। देखो लप्पू लप्पू से प्रश्न भी आ रहे हैं, कभी आप कहोगे नियोनेटल पूछ रहे हैं, ब्रेजल्टन स्केल पूछ रहे हैं, अपगार स्केल पूछ रहे हैं, ऐसे ही पूछ रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको खुशी मिले, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, 129वां प्रश्न क्या कहता है, शासन की किस प्रणाली में सरकार को निर्णय लेने और कानून लागू करने की शक्ति जनता ही देती है, किसमें देती भैया, जनता शक्ता जनता के पास शक्ति होती है, डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, या मिलिट्री ग्रुप, मिलिट्री को। शाबाश, आंसर देंगे फटाफट से, पहले लिखेंगे 29, उसके बाद में देंगे आंसर। शाबाश, फटाफट से, डेमोक्रेसी है ना, बिल्कुल सही बात है भैया, लोकतंत्र में ही ऐसा होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी इज द राइट वन, है ना, जनता के द्वारा जनता के लिए, है ना, वही सारी बातें हैं। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या बात है भाई, भारतीय संविधान के सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड इन 1934, भैया इसकी डिमांड जो है 1934 में की गई थी, सही है गलत है आप बताना। उसके बाद द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, क्या ये बात सही है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया, भाई संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इन तीनों में से कौन सा सही, एक बार बताना मुझे, आंसर देना एक बार, क्या होगा। शाबाश, लास्ट क्वेश्चन है भैया आज का, फटाफट से बता दो क्या है आपका आंसर, बोलो भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या तीसरा सही है, बस अगर तीसरा सही है तो आंसर क्या आ जाना चाहिए भाई, ना तो पहला ना दूसरा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये बात सही है। अब मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि भैया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है ना वो 1934 में नहीं 1935 में रखी गई थी, बात नंबर एक, और बात नंबर दो, ये कांग्रेस के द्वारा भी नहीं रखी गई थी, ठीक है, ये कांग्रेस के द्वारा नहीं रखी गई थी, ये रखी गई थी भैया M.N. रॉय के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा रखी गई थी, कांग्रेस के द्वारा नहीं रखी गई थी। यहाँ ये बात सही है कि भाई ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया, भैया इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, कब किया था, 1946 में किया था, और उसी टाइम पे भैया ये हो गया था कि भाई जवाहरलाल नेहरू बनेंगे प्रधानमंत्री, जैसे ही देश स्वतंत्र होगा या भैया ट्रांसफर ऑफ पावर होगी, है ना, सीधी सी बात तो यही थी। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट। चलो आज का जो 131वां प्रश्न है ये मैं आपके लिए देके जा रहा हूँ, जिसका आप आंसर देंगे मुझे किसमें, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है भैया। मान लीजिए एक शिक्षक के रूप में आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में छात्रों की एक छोटी संख्या में सीखने की विशेष समस्या है, जैसे अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण करना, ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रतिरूप प्रभावी होगा, क्या करेंगे भैया आप, ठीक है, ये आप देख लेना भैया, टेक फुल कंट्रोल ऑफ द ग्रुप एंड डायरेक्टली डिस्कस विद ईच स्टूडेंट अबाउट द देयर प्रॉब्लम,
ask other group of students to communicate with these small number of students to solve their problems collectively. ठीक है, तो भाई आपका सामने ऑप्शन यहाँ पे हैं, आप आंसर देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, बताएंगे क्या है 131 लिख के आंसर. ठीक है, और जल्दी ही मिलते हैं भाई कल ठीक 8 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय.